जम्मू महोत्सव की एक खूबसूरत विधिवत शुरुआत मैं चाहूंगी कि आप सबकी तालियों के गूंज के बीच में जम्मू और अरोड़ा साहब जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग की ओर से मैं यहाँ पर उपस्थित गणेश साहब सम्मानित यहाँ पर अतिथि और
जम्मू शहर के बाकी जितने भी यहाँ पर हमारे साथी हैं प्रेस एवं अन्य मीडिया के साथियों को मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का जम्मू महोत्सव 2019 में। जम्मू महोत्सव जो मनाने के पीछे पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात करते हैं और क्योंकि जम्मू जो यहाँ के लोगों को भी और यहाँ के परिवार जो भी हैं सम्मानित लोगों को भी यहाँ पर एक और सहूलियत मिलेगी। मैं पुनः आप लोगों का जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग की ओर से जम्मू महोत्सव 2019 में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले 3 दिन हैं जिसमें हम लोगों ने जम्मू क्षेत्र के अन्य जगहों पर भी जैसे कि कटरा है
अजय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जम्मू महोत्सव 2019 जो कि 8 फरवरी 2019 को शुरू होना था, वो आज उसका शुभारंभ आने वाले एडवाइज़र श्री खुर्शीद अहमद गनई साहब ने आज कर दिया और एक भव्य कार्यक्रम के साथ ये इसका शुभारंभ हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जम्मू महोत्सव जो है जम्मू के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर किया जा रहा है। जैसे कटरा बस स्टैंड पे इसका आयोजन किया जा रहा है, उसके बाद मानसर में, फिर चीची माता, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जम्मू, बागेबहू जम्मू, सुचेतगढ़ बॉर्डर और फिर यहाँ पर आज जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में इसका शुभारंभ हुआ। इसका मेन मकसद यही है कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जम्मू के बाहर, जितनी भी जम्मू या कश्मीर के बाहर जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ तक पहुँचा सकें, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन को उन तक पहुँचाएँ, लोग यहाँ पर आएँ, उसमें पार्टिसिपेट करें, हमारे पास आकर यहाँ पर हमारी हॉस्पिटैलिटी का एंजॉय करें। हमारा मेन मकसद है कि इसको जितनी ज़्यादा हो सके अपनी क्विजिन, अपनी हेरिटेज, अपने कल्चर को लोगों तक पहुँचाएँ और